साल पहले एक न्यूज़ आई थी शायद गोवा में कि कोई जर्मन लड़की का रेप हुआ है या सम रैंडम न्यूज़ जो थी उतनी वो वन लाइन को लेके एग्जैजरेट किए. हम जब कहानी लिखते हैं तो हम सारी चीज़ें एग्जैजरेट करते हैं. मतलब एक आदमी अगर कहीं से कूद रहा है या कुछ कर रहा है वो सब एग्जैजरेशन होता है फिल्मों में. तो बस ऑन द स्क्रिप्ट लेवल ऑल द एग्जैजरेशन वॉज डन एंड द स्टोरी वॉज डेवलप्ड. यंगस्टर्स के लिए मैसेज होगा कि यू नो ड्रॉ योर सेल्फ अ लाइन. एक लिमिट में रहो, एक मर्यादा में रहो. व्हेनेवर यू गो आउट टू हैव फन देयर इज ऑलवेज सम सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी विच पुल्स यू बैक. वो हमेशा होनी चाहिए. डोंट गो ऑल आउट फिर ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं आपके साथ. सो यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, बाकी ऐसे कोई मैसेज नहीं. इट्स एंटरटेनिंग फिल्म. इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट, नॉट फॉर एनी सोशल मैसेज. कास्टिंग वॉज द मेन टास्क. आफ्टर द स्क्रिप्ट कास्टिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुझे नहीं चाहिए था कि सब ये जो लड़के वो सब मॉडल्स की तरह दिखे. They should look like group of friends, you know. एक थोड़ा मोटा होना चाहिए, एक चश्मा लगाने वाला चाहिए, एक लड़की ऐसी चाहिए, एक वैसी चाहिए. Everybody should look different. अब जो लड़के को मोटा समझ के कास्ट किया तो वो तो अभी एकदम पतला हो गया. तो ऐसे सब मतलब बट दैट्स द थिंग यू नो. द कास्टिंग वॉज वेरी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आप जब फिल्म देखोगे तभी भी पता चलेगा कि हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है. बिकॉज बाकी सब तो यंगस्टर्स है. वो एक इंस्पेक्टर का रोल कर रहे हैं. जो इंस्पेक्टर जिसको CBI से ट्रांसफ़र किया गया है गोवा में, बिकॉज गोवा में ये सब ये जो भी चीज़ें हो रही है टू टेक चार्ज ऑफ इट. और उसमें उनको ये केस मिलती है जो बहुत क्रूशियल है, जिसमें मीडिया अटेंशन है, ये सब चीज़ ये सारी चीज़ें है. सो उनका कैरेक्टर इज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और नॉन फेस का जो रिश्ता है वो अभी कहीं ना कहीं ऑन द रॉक्स है. मेरा ऐसा मानना है. आई कम फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन साइड. सो नॉन फेस का कितना वैल्यू होता है शायद मुझसे ज़्यादा ये टीम में किसी को मालूम नहीं होगा. बट स्टिल आई टुक दिस चांस ऑफ वर्किंग विथ न्यू कमर्स बिकॉज आई थिंक नाउ द ऑडियंस इज लिटिल बिट क्लेवर. एंटरटेनमेंट, यू जस्ट गेट एंटरटेन्ड. कम देयर टू गेट एंटरटेन. इट्स अ थ्रिलर. सी थ्रिलर और सस्पेंस, इसमें एक चीज़ होती है, इट कीप्स ऑडियंस इन्वॉल्व. आप कभी भी सस्पेंस फिल्म देखते हो तो यू ऑलवेज वॉन्ट टू गेस कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप ऐसे कॉमेडी की तरह नहीं देखते हो कि चलो ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा. एवरी 10 मिनट्स यू वांट टू गेस कि शायद यही किलर है या इसी ने किया. एंड इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, राइट? सो यू वांट टू गेस हु इट इज़ एंड हाउ इट इज़ बीन डन. सो इट्स अ 100-110 minutes फिल्म. और ये पूरा ड्यूरेशन जो है, जो आखिरी के 10 मिनट छोड़ के, इट कीप्स यू इन द लूप कि किसी ने किया होगा क्या किया होगा. टूरिज्म को लेके प्रॉब्लम है जितना आज का मेरे को अपडेट है, अभी का हमारा तो, कि उनको ऐसे लग रहा है कि हम गोवा टूरिज्म को बैड लाइट में बता रहे हैं. बट ये अभी समझना चाहिए लोगों को कि फिल्में होती हैं. अगर हम फिल्मों को इतना सीरियसली लेने लग गए, उनको लग रहा है कि टूरिस्ट गोवा जाना बंद करेंगे. सो फॉर टू कम टू अ कंक्लूजन, दे शुड वॉच द फिल्म एंड देन डिसाइड कि क्या, कौन टूरिस्ट जाएगा कौन नहीं जाएगा. सो सेंसर बोर्ड में तो अभी यही हुआ है. अभी यू नो इट्स मेंट फॉर ओनली सर्टिफिकेशन, बट वो अभी थोड़ा सा यू नो दे ट्राई टू इंटरफेयर फ्रॉम देयर साइड. जितनी तकलीफ दे सके वो दे रहे हैं, हम झेल रहे हैं. हमने जब 24 जून रिलीज डेट डिसाइड की थी फेब्रुअरी में, तब देर वर हार्डली 1 or 2 फिल्म्स विच वॉज अनाउंस. जैसे जैसे हम रिलीज डेट के नज़दीक आ रहे थे, देर वर अबाउट 17-18 फिल्म्स विच वॉज सपोज टू रिलीज, इंक्लूडिंग रीजनल फिल्म्स. और जैसे आपने कहा था, न्यू कमर्स को लेके नए बैनर के साथ कभी इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया टू कम विद अ बुके ऑफ फिल्म्स. और ये हमेशा हुआ. इफ़ यू गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स, जब आप पिछली बार ही ऐसे कभी हुआ था तो आप देखोगे कि जब ऐसे 10-12 फिल्में एक साथ रिलीज होती है, नन ऑफ देम वर्क्स. एंड यू नो वी फेल्ट नाइस बिकॉज वी सॉ द रिपोर्ट एंड इट सेज दैट अब जो भी फिल्में रिलीज हुई है, नो बड़ी अदर देन इंडिपेंडेंस डे, आई फील कोई भी इतना दे आर नॉट डूइंग गुड इन द बिजनेस.